अरे क्या बातें सुनते रहते हो आप लोगों की कि फर्स्ट आईवीएफ में रिजल्ट नहीं आता। इतने सारे पेशेंट्स का फर्स्ट आईवीएफ में रिजल्ट आता है। लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम फर्स्ट आईवीएफ में तो कभी प्रेगनेंसी होती ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट आईवीएफ में भी प्रेगनेंसी होती है, सेकेंड में भी होती है, थर्ड में भी होती है, प्रोवाइडेड सारी फाइंडिंग्स आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो। रूल सिर्फ यही है कि आप आईवीएफ ट्रीटमेंट पे विश्वास करें और आप अपनी जर्नी को तब तक ना रोकें जब तक आपके हाथ में बेबी ना आ जाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है और आज हम बात करेंगे कि क्या सेकेंड एम्ब्रियो ट्रांसफर में सक्सेस बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कहीं पई सुनी सुनाई बातें आप डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर से सुनो, उन्हीं से आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेकेंड आईवीएफ करने से ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर कराओ तो हमेशा फेल होता है। 50-60% आईवीएफ में, फर्स्ट आईवीएफ में प्रेगनेंसी आती है, 50-60% पेशेंट वही सक्सेस रेट रहता है आपके सेकेंड आईवीएफ में। हाँ, कहाँ कहाँ पर वेरिएशन आती है। जैसे सपोज हमने फर्स्ट आईवीएफ साइकिल किया और हमें कोई प्रॉब्लम दिखी, जैसे हमें ये लगा कि हमने ट्रीटमेंट किया, आपके एग्स बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड नहीं करते और आपके जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नहीं है। फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर ऑब्वियसली जो हमारे पास एम्ब्रियो बना होगा वही ट्रांसफर किया जाएगा। अगर एम्ब्रियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती तो सक्सेस बहुत अच्छा नहीं आता। ये हम अपने पेशेंट्स को भी क्लियरली बताते हैं। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हर किसी को ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर से और एम्ब्रियोलॉजिस्ट से एम्ब्रियो ग्रेडिंग के बारे में हर किसी को डिस्कस करना चाहिए। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए अगर डॉक्टर आपको ये बोल रहा है कि आपकी एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। सेकेंड टाइम में हम क्या बेटर कर पाते हैं, ये कर पाते हैं कि हम थोड़े से मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन में अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी पिछली बार नहीं बनी तो सेकेंड टाइम भी नहीं बनेगी, तो हम उनको अल्टरनेटिव ऑप्शंस देते हैं। ऐसे पेशेंट्स में सेकेंड टाइम आईवीएफ का सक्सेस थोड़ा बेटर होता है। आपको भी पता है बेटर क्वालिटी एम्ब्रियो ट्रांसफर होंगे तो बेटर क्वालिटी रिजल्ट, बेटर रिजल्ट आएगा। सो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर कोई भी आपका आईवीएफ फेल हुआ है, उन पर्टिकुलर नोट से हमें काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम सेकेंड आईवीएफ में ऐसा क्या करें जिसका सक्सेस बढ़ाया जाए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर की फर्स्ट आईवीएफ में रिजल्ट आता नहीं है, सेकेंड में या थर्ड में ही जाके आता है। रिजल्ट सबको आता है, प्रोवाइडेड आप इस ट्रीटमेंट पे भरोसा रखें। मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है और अगर आपको कोई भी आईवीएफ के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए कॉमेंट सेक्शन पर लिखो, मैं और मेरी टीम उसको ज़रूर आंसर देगी। नमस्कार।